राजगुण तम गुण ते सतगुण दियां खाइयां ते द्वैत दी बाउंडरी वाल ते काम कवारी दुख सुख दरवानी जेडे दरवाजे ने उत्थे काम बरछा लेके खलोता है। उन्हूं पूछा तू क्यों खलोता है, वो कहिंदा इत्थों सत संतोख ने अंदर लंघना, मैं नहीं उन्हां नूं लंघण देना। काम कवारी दुख सुख दरवानी पाप पुन दरवाजा क्रोध प्रधान महा बड दुंदर पहरे ते खड़े कीते ने लोग, और उनका प्रधान जिहड़ा उह कौण है, क्रोध घोड़े ते चढ़िया। वो चैक करदा सारे सिक्योरिटी गार्ड नूं, बई तू ढिला ना पवी, कोई शुभ गुण अंदर ना वड़ जाए। वो चैक करदा कहिंदे क्रोध प्रधान महा बड दुंदर तै मन मावासी राजा। मन मावासी आकी हो के अंदर राजा बन के बैठा, ये मन नूं मैं किवें काबू विच करा, मैं किवें सुरच करा, मेरे ते वस दी गल नहीं रही। कहन लगे प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एक है चोट सजाया। किले का पुख्ता प्रबंध होवे ना ते दूजा राजा तोप लैके जांदा है, दूरी तो तोप विच गोला पा के ते उन्हू टारगेट बना के फुंडदा है, और दीवार डिग पैंदी है और खाई दे विच उबड़ खुबड़ा रस्ता बन जांदा है, और इको वारी आक्रमण कह के अंदर वड़ जांदे। तू ही इस तरह कर, अपनी फौज बना, प्रेम का पलीता शब्द विच सुरत जोड़न की हवाई, ज्ञान दा गोला सहज दी अग, ब्रह्म रूपी अग, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एक है चोट सजाया। सत संतोख लै लरने लागा, हुण तोरे दोए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा। साध संगत दी कृपा ते शब्द दी बरकत नाल शरीर रूपी किले दा जेड़ा मन रूपी राजा है उन्हूं मैं जाके कनपट्टी दे उत्ते रिवाल्वर रख दिता, काबू कर लिया। वो तड़फिया, मैं समझाया बई तू इना दे नाल दा नहीं, गुमराह हो गया है, तू छोटा सें इना दी संगत विच, इना तेनू सिखा सिखा के साडे विरोध विच कर दिता, असल विच तू साडा है, ये तेरे विरोधी ने। पर समझ नहीं आउंदी, राजा बालक नगरी काची दुष्टा नाल प्यारो। मन रूपी राजा बालक है और शरीर रूपी नगर कच्चा है, ते दोस्ती काम क्रोध लोभ मोह ते अहंकार नाल पाई फिरदा है, ते वधिया रिजल्ट दी कित्थों उम्मीद करदा है, वधिया रिजल्ट ते निकल ही नहीं सकदा। छोटी जी नेकी सानू पहाड़ जिड्डी लगदी है। सच्चे पातशाह पता की कहिंदे, कहिंदे जे को एक करे चंगियाई, एक नेकी करदा मन चित बहुत बफावै, बड़ियां फड़ा वो चलिया, एते गुण एतियां चंगियाइयां दे ना पछों तावे। मन में मत मैगल मिकदारा, जेड़ा साडा मन है हंकार दे नशे विच इस तरह है जिवें हाथी शराब पी के। और जे मैं शराब दी गल करां ते गुरमुखो सर्वे ये गल कहिंदे ने भई साडी कौम साडा प्रांत साडी रियासत साडा स्टेट उस मामले विच भी पिछे नहीं, मैनूं खिमा कर देना, उस मामले च भी असी अगे हाँ। और कौम जदों मलियां दे बेर खांदी सी, गन्ने चूप के गुजारा करदी सी, हकूमत डरदी सी, ते लाहौर तों नवाबी आप चल के अमृतसर आउंदी सी। जदों अयाशी विच पै जाइए ना, विरोधी रिलैक्स हो जांदे ने, इहनूं की मारना है, इहनूं ते इहदियां करतूतां नहीं मार देना। इशरत का समर तलक सदा होता है, हर कह कहा बुका नुमा होता है, और जिस कौम को ऐश दोस्त पाता हूं मैं, कहता हूं कि अब देखिए क्या होता है। ऐश दा जेड़ा फल है वो कदी भी चंगा नहीं गा हुंदा, अयाशी दा रिजल्ट हमेशा गलत निकलता है, चंगे दा सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। मंदे कमी नानका जद कद मंदा होए, इशरत का समर ऐश दा फल
तलक सदा होता है, हर कह कहा ठहाका मार के खिड़खड़ा के हंसना बुकानुमा होता है, ये चो रोन निकलेगा। बड़े हसना ना तो सियाण कहना बहुत आ नहीं हसीदा, फिर रोना पैंदा। सेंस की है अत किसी भी काम की चंगी नहीं। हर कह कहा बुकानुमा होता है, और जिस कौम को ऐश दोस्त पाता हूं मैं, जिड़ी कौम अयाशी नाल दोस्ती पाले, कहता हूं कि अब देखिए क्या होता है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब, जिस तरह एक शराबी हाथी मस्त हुंदा है, इस तरह हंकारी बंदे नू अपने हंकार दा नशा हो जाता है। मन में मत मैकल मैगल मिकदारा गुर अंकश मार मारते विश्राम दे के जिवालन, जिमें हाथी नू महावत अंकश मार के काबू करता है, इस तरह गुरु शब्द रूपी अंकश नाल सानू वकारा वल्लों आपा भाव वल्लों मार के ते नवे सिरों आत्मक जिंदगी जड़ी है साड़ी वो शुरू कर देंदा है। मन असाध साध जन कोई अचर चरे ता निर्मल होए। मन असाध है, मन नू भाव काबू विच करना नामुमकिन ते नहीं, पर इतना आसान भी नहीं, औखा है, टफ है, क्योंकि असाध जो होया असाध दे अखरी अर्थ ने जेड़ा साध्या ना जा सके, भाव औखा साध्या जा सके। मन असाध साध है जन कोए, कोई विरला गुरु दी बख्शिश दा पात्र बन के इनू साधन विच कामयाब हो जाता है। दो गल्लां ने, एक प्रयास दूजा अरदास। प्रयास पता किदां दा सौखी एग्जाम्पल दिया, तुसी सारे धियां पुत्रां वाले हो, बच्चे नूं पढ़ाउण लई जिवें सानूं लगातार दो दशक केयर करना पैंदा, लगभग 20 साल केयर करना पैंदा ना, थोड़ी जिही वी मेरे समेत आपां लापरवाही नहीं करदे, लगातार केयर करना, लगातार केयर करना, प्राइम टाइम है भई ये बैक ना जाए, भई ये ढिला ना पै जाए। और जदों तुसी लगातार उहनूं खर्च भी देंदे हो, उहनूं सुविधावां भी प्रोवाइड करदे हो, उहनूं केयर भी करदे हो, तो फिर एक दिन वो अपने काम विच कामयाब हो जाता। इस तरह मन नूं काबू च करन लई लगातार दशकां दे दशक इहनूं केयर करना पएगा। किसे ने कुछ नहीं करना, मैनूं खिमा कर देना, किसे ने इहदे च कुछ नहीं करना, सानूं आप नूं ही करना पएगा। अज जिन्नी समाज विच अराजकता है, मनुख मैनूं खिमा करना छोटा मूँह बड़ी बात, बारूद दे ढेर दे उत्ते बैठा है, थोड़ी जी जिदन किसी ने शरारत कर दी समुची धरती जी नेस्तो नाबूत होने का खदशा है, और ये सारा वातावरण इतों क्रिएट हुंदा है, इतों मन विचों सब कुछ उपजदा, और इहदा ट्रीटमेंट बाणी ने करना है, इहदा ट्रीटमेंट संत ने करना है, इहदा ट्रीटमेंट आत्म ज्ञानी ने करना है, आत्मदर्शी ने करना है, इहदा ट्रीटमेंट बाहरों नहीं गा होना, ये प्रॉब्लम इनसाइड है। और ये विच जिस तरह किसी पेशेंट नू हस्पताल विच लै जांदे ने ते वो कहिंदे ठीक हो सकता सी, पर असल विच इहदी जिहड़ी विल पावर सी वो कम करना छड़ गई। विल पावर कम करना कदों छड़दी, जदों मनुख ये समझ लैंदा भी हुण जिउणा नहीं, छड्डो परां, बीमार हो गया ते तां की, हुण ते चाली जाइए ते चंगा है। वो अपनी बोली च इहनू कहिंदे ने भी विल पावर कम करना बंद कर, जदों विल पावर कम ना करे मैनू खिमा करना, उदों दवाई भी कम नहीं जे करदी। जदों विल पावर कम करती है तुहाडा, उदों दवाई अपनी कपैसिटी तो ज़्यादा कम करती है। लिहाजा जिहड़े मन ने अपने आप नूं ठीक करना है, उहदा बड़ा जरूरी है सहयोग। हिपनोटिजम सिस्टम है, कितना ही कोई सम्मोहन करन विच एक्सपर्ट होवे, सम्मोहन जिहनूं करना है जे वह एगरी नहीं तो तुसीं उहनूं सम्मोहन नहीं कर सकते, उहदी सहमति बड़ी जरूरी है, वो मैंटली प्रिपेयर होना चाहिए भी मैं सम्मोहन होना चाहुंदा वां, अदरवाइज तुसीं उहनूं सम्मोहन नहीं कर सकते। लिहाजा सानू आप नूं ही अपने आप नूं इस कदर मैंटली प्रिपेयर करना पैना है भी मैं अपने आप नूं सुरज करना है, और अचार चरै तां निर्मल होई। ये जिहड़ा ना साध्या जाण वाला मन है इहनूं साध लईए, तो फिर मनुख वकारां वल्लों मुखलस हो जांदा है,
महापवित्र हो जाता है। गुरुमुख ए मन लया सवार हम मैं बिचों तजे विकार। जेड़ा गुरु दे सन्मुख सिख हो के गुरु दी बख्शिश दा पात्र बनता है वो अपने मन नू सोहना बना लैंदा है ते अपने अंदरों होमे अते होर जेड़े विकार ने उन्हां नू छड़ के और इस प्रकार गुरु दी बख्शिश दा पात्र बन जांदा है। जो तुर राखे अन मेल मिलाए कदे न बिछड़ा शब्द समाए। जिन्हां नू तुर तों अकाल पुरख ने अपने नाल मिलाया होया है वो शब्द दे विच लीन हो के इस तरह उहदे विच हलूल हो जांदे ने फिर वो कदी भी परमात्मा नालों विछड़ दे नहीं। आ जिहड़ा शरीरां दा मिलाप है और शरीरां दा विछोड़ा है इह ते हुंदा रहिणा। अंतर आत्मा जो मिला है मिलिया कई है सोए अमृत बाणी। जिहड़ा अंतर आत्मा मिल जांदा है वास्तव विच वो मिलना है। अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे। परमात्मा अपनी लुकी हुई ताकत नू आप जानदा है भी उहदे विच ताकत किन्नी है उहदी अथाह ताकत है। असी उहदी ताकत दा जिक्र जरूर करने आ मिशियां बाजां चरगां कुइयां इहनां खवाले घा घा खाण तिना मास खवाले ए चलाए रा नदियां च टिब्बे दिखाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वा जेते जी जीवें लैसा जवाले तां के असा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे ग्रा। असी शेरां नू काबू कीता है सर्कसां विच कम कराने आ साडे आखे घा नहीं खांदे कसाई कोलों मास लिआउणा पैंदा। साडी ताकत नहीं भी शेर नू घा खवाईए पर रब चाहे ते मासाहारी नू शाकाहारी शाकाहारी नू मासा। और यह ताकत गुरु नानक साहब कहिंदे ने जिहड़ी मैं बयान कीती है इत्थे ही बस नहीं ये उहदी ताकत किन्नी है वह ही जानदा है। मैं तो थोड़ी जी का मैनशन किया बेअंत ताकतों का मालिक है नानक गुरमुख नाम पछाण है गुरु के सन्मुख हो के जिहड़ा उहदे नाम नाल जान पछाण पाता है उहनू फिर ये गल समझ दे विच आउंदी है। सारे शब्द विच जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है भी गुरु की शरण पै के गुरु कोलों शब्द लैके मनुख अपने मन नू काबू विच कर लैंदा है और ये काबू आया जिहड़ा मन है ये इस तरह हो जाता है जिवें साडे रथ दे अगे जुपे हुए पांच घोड़े ने और कड़ियाले साडे हथ विच ने साडा जिथे दिल करे रोक लईए जिथे दिल कहीए मोड़ लईए जिथे दिल कहीए करे तोर लईए। इस तरह ये मन और मन दे साथी जिहड़े पांच वकार ने वह जदों काबू च आ जाणगे फिर वह साडे दुश्मन नहीं उल्टे वह साडे दोस्त बन जाणगे साडी बर्बादी नहीं वह साडी आबादी का एक जरिया बन जाएंगे। तो गुरुस्वारे हो क्योंकि भाई मन सेवा सुसायटी वालों ये प्रोग्राम अज का सेवा ली गई है तो ये समाप्ति ने कि मेरी सुनिमर बेनती है थोड़ा जहा समा होर है गुरुस्वारिया ने एक शब्द की हाजरी भरनी है नाल ही आनंद साहब पढ़ना है तो उदू बाद फिर जी मुकम्मल समाप्ति होगी। मैं गुरमत विचार इतने संकोचन की आग्ञा चाहवागा भाई साहब हूँ तो अखीर लिया दो पंक्तियों का पाठ सर्वन करिए। अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। करिए गुर विचार करिए।